मोशन इन अ प्लेन लास्ट चैप्टर में हमने मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में या फिर लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था अब हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे मतलब मोशन एक प्लेन में कैसे हो सकता है ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके पहले एक रिकॉल कर लेते हैं हमने मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में तीन क्वान्टिटीज़ को स्टडी किया था डिसप्लेसमेंट विलॉसिटी एंड एक्सिलेशन सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देख लेते हैं अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो फिर मैं कई पार्थ ले सकता हूं मैं जो भी पाथ लेता हूं उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो होगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं जो ए को बी से जोड़ती है तो उस लाइन की लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फाइनल पोजिशन To the initial position but distance is the length of the entire path traveled up displacement shortest distance between initial point and final point वेलोसिटी क्या था वेलोसिटी वेलोसिटी था of of था रेट रेट ऑफ 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 चेंज चेंज डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस नाउ कम टू स्टडी मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन सबसे पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो है स्केलर्स एंड वैक्टर्स तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल मास किसी भी चीज़ का मास है, आप के में बताते हैं ग्राम्स में बताते हैं आप किसी चीज़ का टेम्परेचर होता है तो आप कैलविन में बताते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं और अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं तो जैसा हमने पढ़ा दीज थ्री क्वांटिटीज़ आर जस्ट वैल्यूज़ या फिर ओनली मैग्नीट्यूड है तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं